वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट फाइव पढ़ने वाले हैं। पार्ट फोर की बात करें तो पार्ट फोर में हमने कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था, जिसमें चार फॉर्म थी और वन बाई वन हमने डिस्कस भी किया था, काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अब पार्ट फाइव में हम इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हमें बेसिक नीड क्यों है। इसकी बेसिक नीड इसलिए है कि कभी कभी हमारे पास लॉगरिथम वैल्यू आ जाती है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ln x, तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। या फिर कभी कभी ऐसे आ जाता है, इनवर्स आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx, यानी जब भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाए या फिर लॉगरिथम फंक्शन आ जाए तो इनका हम इजीली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने बाई पार्ट्स टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाई पार्ट्स की बात करें तो दो फंक्शन हम लेके चलेंगे। तो एक फंक्शन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ वन और सेकंड फंक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ टू। तो पहला फंक्शन क्या है मेरा, यू है, और सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, वी है। तो ये दोनों फंक्शन मेरे क्या होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। तब मैं क्या करूँगा, जब मैं यानी बाई पार्ट्स लगाऊँगा तो सबसे पहला फंक्शन तो एजेटिक रहेगा, पहला फंक्शन एजेटिक रहेगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। मीन्स पहला फंक्शन एजेटिक रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और सेकंड फंक्शन का क्या होगा, फिर से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और इंटू डी एक्स, और इनका होल डी एक्स, ठीक है। तो पहले फंक्शन को हम एजेटिक रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन भी करना है हमें, ठीक है। आप या ऐसे समझ सकते हो कि पहले फंक्शन का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, सॉरी पहला फंक्शन एजेटिक था, सेकेंड का इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर दोनों जो फंक्शन आए हैं तो फर्स्ट वाले का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और ये जो फंक्शन आया है उसको एजेटिक हमने यहाँ पे अंदर लिखा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसका फिर से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे अभी। अब बात आती है कि कौन सा फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा, मैं कैसे इनको लेट करूँगा। तो इसको चूज़ करने के लिए एक टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है, आईलेट, ठीक है। आईलेट क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी कई बुकों में, जैसे बोर्ड की बुक की बात करूँ तो आई और एल आपस में स्वैप मिलते हैं, पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उसमें आपको आईलेट ही मिलेगा। तो अगर आईलेट की बात करें तो सर ये कैसे मतलब डिफाइन होता है, तो इसका प्रोसीजर ऐसे होता है कि जो मतलब जो जिस रैंक पे होगा वो मोस्टली फर्स्ट फंक्शन हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इसकी बात करूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अगर मान लो कि आई और ई वाले फंक्शन आते हैं तो मैं आई वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूँगा और ई वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर करूँगा। तो आईलेट को जैसे डिफाइन करें तो आईलेट में अगर आई की बात करें तो आई हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। आई किसको डिनोट करता है, इनवर्स फंक्शन को करता है, जैसे टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अगर एल की बात करेंगे तो हमें क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है जिसमें लॉग वगैरह आएगा। एलजेब्रिक की बात करें, ए की बात करें तो ये क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे मतलब जो भी फंक्शन आते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में उनको सबको हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, टेन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉट, कोसेक और सेक, ये सारे फंक्शन कैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ई जो हमारा डिफाइन कर रहा है वो कर रहा है हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी मतलब ई रेस टू एक्स की बात करें या फिर ए रेस टू एक्स की बात करें तो ये दोनों क्या है मेरे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है।
तो अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, जिसकी रैंकिंग सबसे कम होगी वो हमारा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। हम रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले, या फिर हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हम एरो से दिखा रहे हैं ये क्या है, एक ऑर्डर है। जो सबसे लास्ट में ऑर्डर आएगा वो सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा। लास्ट का मतलब क्या, देखो ये पहले इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर इसकी बात करें तो इसकी रैंकिंग हमारी क्या होगी, फर्स्ट फोर्थ, और इसकी रैंकिंग क्या होगी, सेकंड होगी। अगर मान लो कि ये दोनों फंक्शन एक साथ आते हैं तो मैं फर्स्ट वाले फंक्शन को कंसिडर कौन सा करूँगा, मैं इनवर्स वाले फंक्शन को। अगर प्रॉब्लम वन की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो जब भी हमें कॉस स्क्वायर एक्स दिख गया तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोसेक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाती है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू आ जाता है। और साइन में अगर निकालते हैं, हम साइन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन के लिए हम बस माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन माइनस कॉस टू एक्स हो जाता है, ये आप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, वन बाई टू को मैंने बाहर ले लिया। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो एक्स का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा। अब इस वाले फंक्शन को क्या कर दिया हमने, प्लस के साथ में सेपरेट कर दिया। तो ये फंक्शन का सीधा सीधा मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और वन बाई टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर बाई फोर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे दो फंक्शन है मेरे पास, एक तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक मेरा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अभी हमने आईलेट से देखा था कि इसकी रैंकिंग कम है, इसकी रैंकिंग अगर हम देखें तो आईलेट का, तो देखो सबसे पहले रैंकिंग इसकी आ रही है, देन उसकी आ रही है। तो सबसे पहले फंक्शन हम फर्स्ट किसको मानेंगे, एल्जेब्रिक को मानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने इसको कंसीडर किया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एजेटिक लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हम एजेटिक लिखेंगे, बाय पार्ट्स जब भी लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, एजेटिक लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और सेकंड वाले का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स वाई टू, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टू एक्स वाई टू, ठीक है। अब फिर से इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स वाई टू। अब वन बाई टू से इनमें दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहला फंक्शन हमारा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन क्या है, हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको कंसीडर करेंगे, इनवर्स फंक्शन को कंसीडर करेंगे, सेकंड फंक्शन हम एल्जेब्रिक फंक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले फंक्शन को तो हम एजेटिक लिखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये वाला कैसे आया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस ऑफ, माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब एक्स का हम क्या करेंगे, सॉरी टेन इनवर्स एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे हमें सिमिलर फॉर्म दिख रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस वन और माइनस वन कर दूंगा, वही यहाँ पे सेम फंक्शन यानी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, एक बार तो मैं इसके नीचे पुट करूंगा वन वन प्लस एक्स स्क्वायर को, एक बार इसके नीचे पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं इसके नीचे पुट करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे वन, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो जाएगा दूसरा,
ठीक है, और 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा। अब ये मुझे पता है किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो 1/2 तो पहले से है, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस एक पहले से लगा हुआ है, ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी रेडिकल साइन आएगा तो उसको उठाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो एक्स को या तो टी स्क्वायर कंसिडर कर लो या फिर रूट एक्स को टी कंसिडर कर लो। ठीक है, एक ही बात है। तो रूट एक्स को टी कंसिडर किया है तो डी एक्स की वैल्यू हम निकाल के रख देंगे डी टी के टर्म्स में, तो ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा। जैसे पुट करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो यहाँ से देखो टू तो कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल लिया, टी इंटू कॉस ऑफ टी। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये पूरा फंक्शन मेरा टी में चल रहा है। ठीक है, तो टी क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है। टी क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं सबसे पहले यानी कौन सा फंक्शन ऐड करूँगा, फर्स्ट वाला, तो मैं एलजेब्रिक को फर्स्ट कंसिडर करूँगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड फंक्शन कंसिडर करूँगा। अब इसमें मैं क्या कर दूँगा, बाई पार्ट्स लगा दूँगा। बाई पार्ट्स क्या है कि पहले फंक्शन को एजेटिक लिखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी कॉस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी, और माइनस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और कॉस का साइन टी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, टी कॉम यानी टू कॉमन ले लिया, ये सॉरी इसका फिर से मतलब सॉरी इसका फिर से क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमने टी अपनी कहानी में लेके आए थे, लेट किया था, वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स पुट कर देंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस साइन एक्स का हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे क्या बन जाएगा मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का एक बार तो इसके नीचे डिवाइड कर दें, यानी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर चला जाएगा कॉस, और ये क्या हो जाएगा, देखो एक साइन अपॉन एक कॉस, ये कॉस स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ कॉस इंटू कॉस। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा, तो बाई पार्ट्स के लिए एलजेब्रिक फंक्शन को मैं फर्स्ट मारूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड कंसीडर करूंगा। तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू सेकेंड वाले का क्या इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब इसकी बात करूँ तो इसमें भी देखो कि अगर ये दोनों पोर्शन की बात करूँ तो ये क्या लिखा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलूंगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं सेकंड कंसीडर करूंगा और एक्स को एलजेब्रिक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा। तो एक्स इंटू सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन, माइनस और फर्स्ट फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आ जाएगा, और यहाँ से एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और ये टेन एक्स आ जाएगा। सेम यहाँ से अगर देखें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो सेक एक्स मिल जाएगा। अब टेन एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बस इतना सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर सीधा बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें क्या है कि सीधा सीधा हमारे पास क्या होगा कि एक फंक्शन भी इंक्लूडेड होगा और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास इंक्लूडेड होगा उसी में। तो हमें बस यहाँ से चूज करना है कि फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। तो इसकी देखो चार फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करूं मैं, तो अगर हमें कुछ ऐसे दिया है कि पहला फंक्शन और सेकंड का डेरिवेटिव
प्लस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का एजेटिक। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर यानी डिफ्रेंसिएशन अगर मैं निकालूँ तो क्या आता है, पहले को एजेटिक रखो, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले को एजेटिक लिखो। तो ये तो इसका क्या लिखा हुआ है, ये अगर लिखा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये तो एफ इंटू जी का डेरिवेटिव है, तो मैं इस फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं लिखूँगा तो अगर मैं डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हो रहा है उसका अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हट जाएगा और सीधा फंक्शन मिल जाएगा मुझे। अब इसका प्रूफ देखो आप, अब मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके यानी प्लस के साइन से मैंने दोनों को अलग किया, सेकंड वाले को एजेटिक लिखा, फर्स्ट वाले को मैंने बाईपार्ट लगा दिया। तो बाईपार्ट लगाएंगे तो पहले वाले फंक्शन को एजेटिक लिखेंगे, तो पहले वाले फंक्शन एफ को मैंने एजेटिक लिखा, ठीक है, तो एफ को मैंने एजेटिक लिखा, सेकेंड वाले फंक्शन को क्योंकि ये डेरीवेटिव है, डेरीवेटिव का अगर मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो मुझे सीधा फंक्शन मिल जाएगा जी। तो इसका मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस ऑफ फर्स्ट वाले का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एस हो जाएगा, और जी डैश एक्स का हम क्या करेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ से देखो कि ये वाला पोर्शन और ये तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या बचेगा मेरे पास, प्लस सी। तो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है कि अगर दो फंक्शन का हमारे पास ऐसे दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उन दोनों फंक्शन को लिख के प्लस सी लगा देंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले के लिए कुछ नहीं करना है हमें, कि ये जो फर्स्ट वाला है उसमें जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स जो फंक्शन है उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कंसिडर करेंगे तो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू जैसे ही इसमें हम पुट करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगी। देखो फंक्शन तो हमारा एजेटिक रहेगा, जी डैश की वैल्यू कितना, 1, तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 ऐसे हम शो कर सकते हैं। अब एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स ही रहेगा और जी के फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से देखो सिमिलर है तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा, मतलब क्या है कि एफ एक्स तो एफ एक्स रहेगा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, कैसे कि यहाँ पे क्या करूँ, जी एक्स फंक्शन को ये चारों जो हैं वो फर्स्ट वाले पे ही डिपेंड करते हैं, फर्स्ट वाले से ही बाकी के यानी अदर जो थ्री हैं वो प्रूव कर सकते हैं हम। ये थोड़ी थर्ड वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कर दो आप, जी एक्स को ई रेस टू एक्स कंसिडर कर लो। तो जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स ही रहने दो, जी एक्स क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स, और जी डैश एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स हो गया, प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, और जी की वैल्यू कितना है, ई रेस टू एक्स। तो यहाँ से देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या मिलेगा, एफ प्लस एफ डैश इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसी फॉर्मूले का मैंने यूज किया तो फाइनल आंसर मेरा क्या आना चाहिए, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट आना चाहिए, तो एफ तो मेरा एफ है और जी फंक्शन क्या है मेरा, ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो ये प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हमको लर्न करके रखना है कि कोई भी मान लो कि ई की पावर एक्स है और उसके अंदर यानी मल्टीपल में हमारा एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, प्लस करके या माइनस करके, ठीक है, प्लस वही होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। इस पर अभी हम काफ़ी क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब ये क्या है, इसका अपडेटेड वर्जन है, ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पे x के प्लेस पर 2x होगा तब क्या होगा, 3x होगा तब क्या होगा, x स्क्वायर होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया है कि hx है, तो इसका सिर्फ डेरिवेटिव इसके साथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो कि e की पावर x ही है, आप क्या ले लो, e की पावर h ऑफ x ले लो। तो जब इसका डेरिवेटिव आप यहाँ पे लिखेंगे तो e की पावर hx
ठीक है, और मल्टी अच्छे से करते हैं। फोर्थ वाले के लिए अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ वाले के लिए इसमें क्या कर दो, जी एक्स की वैल्यू आप कंसीडर कर लो ई की पावर एच एक्स। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ई रेस टू एच एक्स, ई रेस टू एच एक्स इंटू क्या हो जाएगा एच ऑफ एक्स, यानी एच डैश ऑफ एक्स। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो आप। जैसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ तो एजेटिक रहेगा, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू कितना, ई रेस टू एच ऑफ एक्स प्लस, सॉरी डेरिवेटिव लिखना है, फर्स्ट क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। तो एफ तो एजेटिक रहेगा, और जी डैश एक्स की बात करें तो वो हमें ये मिल जाएगा ई रेस टू एच एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स प्लस। अब देखो एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स रहेगा, और जी की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू एच ऑफ एक्स और इसका होल इंटू डी एक्स। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें से ई रेस टू एच एक्स कॉमन ले लो, तो जैसे कॉमन लेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, इसके लिए एक बेनिफिट है कि कभी कभी हमें ई की पावर कुछ ऐसे मिल जाएगा 3x, सपोज कर लो, तो 3x का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेकंड फंक्शन हो गया, जो हमारा x था वो x नहीं है, तो इसका जो भी कॉपिशियंट होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो f के साथ में ऑलरेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे 3x है तो 3 यहाँ पे, यानी h की जगह पे क्या होना चाहिए, h डैश x की जगह पे 3 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हम ऐसा देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ से देखें हम e रेस टू एक्स और एक फंक्शन दिया हुआ है, और उसी फंक्शन का अगर मैं इसको एफ एक्स कंसिडर करूँ तो ये क्या है, मेरा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। तो ये लास्ट, अगर सेकंड लास्ट वाली की बात करें तो यहाँ से अगर देखें तो ई रेस टू एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव गिवेन है, तो ई इंटू फंक्शन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ से देखो टेन एक्स, टेन एक्स अगर देखें और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस वाले फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें, सपोज कर लो आप, मैं यहाँ से इसका, यानी ये जो लॉग ऑफ कॉस एक्स है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, वन, यानी वन अपॉन कॉस, और कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इंटू डी एक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके आगे एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस साइन और लेके चलेंगे हम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस वाले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो मीन्स अगर मैं इस वाले फंक्शन को, सेकंड वाले फंक्शन को अगर मैं एफ कंसिडर कर लूँ, तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, मेरा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। अगर इसको मैं एफ कंसिडर कर लूँ, सॉरी एफ, तो ये मेरा क्या है, एफ डैश एक्स है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, जो भी फंक्शन है, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन सेक एक्स, सेक को ऊपर लेके आऊंगा तो सेक की पावर माइनस वन हो जाएगा, और माइनस को मैं बाहर ले आऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर सेक की फॉर्म में लिखना है तो सेक की फॉर्म में लिख दो, अदरवाइज इसका आंसर ये भी हो सकता है, माइनस ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो कि हमें e की पावर x गिवेन है, तो हमारे माइंड में एक आइडिया आना चाहिए, क्या ये मेरा फॉर्मिंग बन सकता है क्या, यानी कि सीधा मैं इसका डिफरेंशिएशन, यानी सॉरी इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ क्या। तो देखो मैं क्या किया कि इन दोनों को मैंने अंदर लेके गया, मतलब एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर एंट्री करा दी, तो अंदर लिखूंगा तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर मैं इसको अगर फंक्शन कंसीडर कर लूँ तो ये क्या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है एक्स है, तो ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ ऐसे ही है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन एक्स, और इसके नीचे भी अगर मैं डिवाइड करूँगा तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अगर मैं ऐसे देखूँ तो अगर इसको अगर मैं फंक्शन मान लूँ तो ये क्या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन जो है मेरा, फंक्शन क्या है मेरा, लॉग एक्स है, तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन क्या है मेरा, लॉग एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है बोथ पे लगा हुआ है, तो वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स। ठीक है, अब इससे डिवाइड किस हो रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब e की पावर x तो बाहर है, एक पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, e रेस टू x वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टू डी एक्स। ठीक है, अगर मैं अब देखूँ तो अगर मैं इसको फंक्शन कंसिडर कर लूँ, अगर ये मेरा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे यही मिलता है, आप करके देख सकते हो कि इसका हो जाएगा पहले पावर कितनी आ जाएगी, माइनस टू यानी नीचे चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, टू एक्स मिल जाएगा। तो अगर ये मेरा फंक्शन है तो ये क्या है मेरा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के दोनों का मल्टीपल प्लस एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मेरा e की पावर x नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे गलतियाँ करते हैं कि इसको e की पावर x ही कंसिडर करके सॉल्व कर देते हैं, तो अब ये e की पावर x वाला नहीं है, अब ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला हम लिखाए थे फोर्थ नंबर वाला वो है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एफ एक्स के साथ में होना ही चाहिए, अगर टू एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, टू, यानी मेरा एफ एक्स के साथ में क्या होना चाहिए, एफ एक्स के साथ में मेरा टू होने ही होना चाहिए, तो पहले तो मैंने मेथड वन से इसको सॉल्व किया है, ठीक है, विदाउट यूजिंग फार्मूला, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इन दोनों के साथ में, ई रेस टू टू एक्स और इंटू साइन एक्स, और ये हो गया अलग मेरा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, बाई पार्ट लगाया, तो बाई पार्ट लगाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू मैंने बाहर ले लिया, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एजेटिक लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सिमिलर टर्म मिल जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। अगर मेथड टू से अगर सॉल्व करूँ तो मेथड टू क्या बोलता है कि अगर इसका अगर मैं इन दोनों में सबसे पहले तो ये कंसिडर करूँगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा मेरा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर मैं कॉस एक्स को फंक्शन कंसीडर कर लूँ, कॉस एक्स को अगर फंक्शन कंसीडर कर लूँ तो माइनस साइन ऑफ एक्स क्या है मेरा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे ई की पावर एक्स होता तो फाइनल आंसर क्या हो जाता मेरा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे टू भी नहीं होता और यहाँ भी टू नहीं होता तो फाइनल आंसर मेरा ये हो जाता, बट अब यहाँ पे क्या है, टू है, तो मैंने फॉर्मूले में देखा था कि e की पावर जो भी है उसका डेरिवेटिव मेरा फंक्शन के साथ में होना चाहिए, तो फंक्शन कौन सा है मेरा, ये cos x, तो इसका डेरिवेटिव कितना, 2, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2x इंटू फंक्शन क्या है मेरा, cos x प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये वाला यूज़ किया, या तो आप k लिखो या फिर एच एक्स भी लेके चल सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 11 की बात करें तो e की पावर माइनस टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये मतलब थोड़ा अलग टाइप का मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, e कंसीडर करके ही चलेंगे,
ऐसे समझ लो कि जब भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हम ई कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि जो रिपीट होते ही रहेंगे। अगर इनका डिफरेंशिएशन करूँ तो भी ई की पावर एक्स में ही कन्वर्ट होता रहेगा, और साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करूँ तो भी क्या होगा, साइन कॉस ऐसे आता रहेगा। तो मतलब ये फंक्शन कभी भी बंद होने वाले फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि ये आई के इक्वल में। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और इसकी बात करूँ तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कंसिडर करूँगा। ठीक है, इसको सेकंड कंसीडर करूंगा, पर आप सिंप्लिसिटी के लिए क्या करो कि बार बार माइनस टू एक्स, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा माइनस साइन से बार बार, तो आप इसको उल्टा भी करके ले सकते हो, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें आई लेट से ही चलना है। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने सिंपल बनाने के लिए साइन एक्स को मैंने सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लिया है, और इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया, तो फर्स्ट फंक्शन को एजेटिक लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन 3। अब अंदर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2e की पावर -2x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस के cos 3x/3 आ जाएगा, तो दोनों का माइनस क्या, एक माइनस यहाँ भी आएगा, एक माइनस इसके साथ भी आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसीलिए प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इनके बीच में देखो 2/3 को तो कांस्टेंट में बाहर निकाल दूंगा, 2/3 बाहर आ गया, फिर से क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कंसीडर, सॉरी इसको e^x को फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड कंसीडर कर लो, तो फिर से क्या करो, बाई पार्ट लगा दो। बाई पार्ट लगाएंगे तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो sin 3x का इंटीग्रेशन, सॉरी cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x/3। फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ 2 बार आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x का हो जाएगा sin 3x/3। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2/3 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 2/3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस के 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ e^-2x, ठीक है, (sin(3x)(dx)। अगर मैं ये देखूँ तो ये तो मैंने कुछ लेट किया था, ये तो मैंने आई लेट किया था, तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि ये क्या बन जाएगा, माइनस के 4/9 i। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट लिखा है, तो अब इस i वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और इसके साथ में क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो इधर लेके जाऊंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, 9+4/9 यानी 13/9। अब मुझे तो आई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या करूँगा, इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 9, 9 तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा एलसीएम लेके, और 13 यानी -(1/13) हो जाएगा, और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में भी नहीं आता है तो छोड़ देना आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, तो इसको होल स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी x^4+2 है, तो 2 को मैंने +1 किया और +1 किया, अब नेक्स्ट एक टर्म लेके आया -(2x)2, ठीक है, और ये मैंने प्लस किया और एक बार माइनस किया, सॉरी यहाँ प्लस किया है और यहाँ पे माइनस किया है, तो अगर इसकी बात करूँ तो ये तो होल स्क्वायर बन रहा है किसका, 1+(x)2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी प्लस प्लस करके
वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू फोर प्लस टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब इसके नीचे हम क्या कर देंगे, ये वाली पावर से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से देखो दो पावर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ से जैसी दो पावर कैंसिल होंगी तो क्या बचेगी, वन बाई हाफ, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, टू एंड हाफ लिखा हुआ है, टू एंड हाफ लिखा हुआ, टू कैंसिल हो गया तो हाफ पावर रह जाएगी, और अदर वाले पोर्शन को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब जो फाइनल स्टेप है वो समझने वाला स्टेप है, वो क्या है कि एक टर्म हम अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, वो टर्म क्या है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिल जाएगा, तो एक तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन बाई टू प्लस वन यानी थ्री बाई टू, और टू एक्स का करूँगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी वन बाई टू बार भी तो आएगा, इसकी टू एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो टू से टू कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब ये वाला टर्म हम क्या करेंगे कि इसमें इंसर्ट करेंगे, तो मैंने माइनस किया ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से देखो तो ये वाले फंक्शन के साथ में मेरे पास क्या है, दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, e की पावर x इसके साथ कंसीडर कर लो, e की पावर x इसके साथ कंसीडर कर लो, तो इतने वाले पोर्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, e की पावर x मल्टीप्लाई ऑफ ये फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा, जो मैंने नीचे लिखा है। अब फिर क्या है कि अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये दो पोर्शन रह गए मेरे पास, दो पोर्शन का तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अगर इनकी बात करूँ तो इनके साथ भी क्या हो रहा है, e की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से देख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको, अगर इस वाले फंक्शन को अगर मैं f कंसीडर कर लूँ तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। आप करके देख सकते हो कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ऑलरेडी ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो ये फिर से वही फॉर्म बन गई, e रेस टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो इंटीग्रेशन है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, e रेस टू x इंटू एफ एक्स, तो e रेस टू x, तो e रेस टू x आया और एफ एक्स क्या है मेरा, ये तो दोनों ये आ जाएंगे। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट की बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बाई पार्ट्स से, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट ऐसे ही मिलेगा सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या मिलेगा मुझे डेरिवेटिव, सेकेंड का क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना इनटू डीएक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पहला वाला टर्म क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब मैं इन दोनों में फिर से इंटीग्रेशन लगा दूंगा, यानी बाई पार्ट लगा दूंगा, तो बाई पार्ट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड का क्या डेरिव, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, अगर इसकी बात करूँ तो इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया तो एज इट इज आएगा, सेकेंड वाले का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑलरेडी एक पहले से हो रहा था तो दो डबल हो जाएगा, डबल डेरिव यानी इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इसके साथ में माइनस आएगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट वाले का हम क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले का यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा, और इसका क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे तो डबल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक्सपेंड हम करेंगे तो हमें फाइनली ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये इसका हमारा यूज़ क्या है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये आप बोर्ड में यूज़ ना करें, ध्यान रखना, आप इसका बोर्ड में यूज़ ना करें, जेई और मेंस एडवांस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, सीटी में भी काफ़ी मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। तो इसमें कैसे आएगा, एक तो एल्जेब्रिक होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा कि मान लो कि e रेस टू x
या पहले एल्जेब्रिक लिख लेते हैं। एल्जेब्रिक मान लो कि एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, एक्स क्यूब ले लिया सपोज मान लो, और ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें इसका करना है तो हम इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, बाई पार्ट लगाते लगाते ओपन करेंगे तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इसको याद कैसे करना है, देखो फर्स्ट वाले को एजेटिक लिखो, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, पहला वाला टर्म आ गया। अब क्या करना है, साइन अल्टरनेट लेना, अगर पहला पॉजिटिव है तो सेकेंड निगेटिव, फिर ऐसे अल्टरनेट होता जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसका क्या करते जाएंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, एक बार किया फिर दो बार किया फिर तीन बार किया, ऐसे करते जाएंगे। और इसका हम क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेशन करते जाएंगे, पहले एक बार इंटीग्रेशन हुआ फिर डबल हुआ फिर ट्रिपल हुआ फिर फोर्थ, यानी यहाँ जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो बाई पार्ट। ठीक है, तो अब इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले को एजेटिक लिखना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स ही मिलेगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएसन, यानी थ्री एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स। अब ये देखो प्लस आ सॉरी माइनस आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसका फिर से क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर दो कितना आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। अब फिर से इसका क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो, माइनस साइन आ जाएगा तो सिक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स। अब नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो सिक्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए आगे तो चलेगा नहीं, तो प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरा मैंने क्या कंसीडर कर लिया है कि ये मेरा एक एल्जेब्रिक टर्म है और ये क्या है, मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो इसका मैं क्या करूँगा, एक बार एजेटिक लिखूँगा, इसका क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लिखूँगा, साइन क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब इसका साइन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस फाइव, और इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, और इस वाले टर्म्स का फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो टू आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ई रेस टू एक्स आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया। सपोज मान लो कि एक और है मेरे पास, जैसे सॉरी पहले एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करके ई रेस टू थ्री एक्स है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मेरा e की पावर में जो है वो थ्री एक्स है, एक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या इसको टू ले लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अभी भी हम यही चीज़ कर सकते हैं, इसको हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री। अब माइनस करके अब इस वाले का क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, और इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री, तो पहले से था एक थ्री और आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब फिर से इसका साइन देखो चेंज करेंगे, अब क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री इंटू थ्री, पहले से था एक थ्री और आ जाएगा, और प्लस सी। ओके,